स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। भाई आज हम यहां पे बात करने वाले हैं भाई 2024 की अपडेटेड सिटी के बारे में। अभी सिटी में कुछ फीचर्स अपडेट किए गए हैं, कुछ फीचर्स बढ़ाए गए हैं, प्राइस रेंज यहां पे बढ़ा दी गई है, कुछ ऑफर्स भी यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज डिटेल से बात करेंगे क्या प्राइस रेंज यहां पे रखी गई है, क्या फीचर्स अपडेट किए गए हैं और क्या ऑफर्स यहां पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि जब भी आप शोरूम में एंटर करते हैं ना तो आप सबसे पहले पूछते हैं भाई ये ऑफर कितना देती है, मतलब यानी कितना डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। बात तो सही है तो सब्र करो, थोड़ा सा वीडियो को देखो और आपको पता चल जाएगा भाई यहाँ पे आपको कितना ऑफर दिया जा रहा है न्यू सिटी में। तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले एक्स शोरूम वैल्यू से। तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है वो 12,93,000 रुपए का एक्स शोरूम देखने के लिए मिलता है, जो ऑन रोड आते आते आपको 15,15,000 रुपए की ऑन रोड पड़ती है। पहले से प्राइस रेंज में अगर बात करें तो भाई 15,000 रुपए तक का फर्क यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन 15,000 में आपको फीचर बहुत जेन्युइन बड़े हुए देखने के लिए मिलते हैं। और हाँ, डिस्काउंट भाई मैं नहीं बताऊंगा, बता रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा सबर करो। तो डिस्काउंट की अगर बात करूँ तो भाई यहाँ पे आपको न्यू सिटी में 35,000 तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन वो वेरी करता है भाई आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अगर आप वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पे 35,000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब भाई फ्रंट में खड़े हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी की चौड़ाई की। तो यहाँ पे आपको 1748 mm की चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट में अगर आप बात करेंगे तो भाई जो इसका ग्रिल पोर्शन है वो काफी अट्रैक्ट करता है आपको अपनी तरफ, क्योंकि भाई ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, जो आपका पूरा हेडलैम्प तक का कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर यहाँ पे बात करेंगे भाई हेडलैम्प्स में, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं लो बीम में। हाई बीम में यहाँ पे आपको भाई ये रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेलोजन में ही इंडिकेटर मिलते हैं। ये अपर वाला पोर्शन आपको यहाँ पे भाई डे टाइम रनिंग लाइट का देखने के लिए मिलेगा। फॉग लैंप्स की अगर बात करेंगे तो हेलोजन में ही फॉग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे बंपर सेक्शन में अगर देखेंगे तो भाई एयर डैम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो लिप वाला पोर्शन है ना भाई, ये गाड़ी के डिजाइन को और अट्रैक्टिव यहाँ पे बना देता है और स्पोर्टियर फील कराता है। और ये क्या है भाई, जेड वॉशर? अरे नहीं भाई, ये टोइंग का है हुक। अच्छा, यहाँ पे आप टोइंग का हुक लगाते हैं जिससे कि आप गाड़ी को टो कर सकते हैं। हमको सिखा रहा है। और बात करेंगे भाई इस वेरिएंट में ना, आपको भाई एडास के फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी एडास लेवल 2 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये देखिए कैमरा बेस्ड, भाई एडास लेवल 2 के बेहतरीन फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, भाई उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर अब जैसे साइड में खड़े हैं तो बात करेंगे गाड़ी की लंबाई की, तो वो आपको 4574 mm की देखने के लिए मिलती है। और अगर ओवरऑल हाइट की बात करेंगे तो भाई 1479 mm की ओवरऑल हाइट देखने के लिए मिलती है, यानी 1489 mm की ओवरऑल हाइट देखने के मिलेगी। बी प्लस यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिशिंग में देखने के लिए मिल जाते हैं। और डोर में देखेंगे तो स्मार्ट की एंट्री का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा को ड्राइवर साइड। और ओवीएम में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई डुअल टोन में देखने के लिए मिलता है, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब साइड में खड़े हैं भाई, टायरों की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे भाई आपको इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एमआरएफ के टायर देखने के लिए मिलेंगे। और टायर प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो 185, 60 और 15 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, रियर में ड्रम ब्रेक्स ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। और भाई ये टायर साइज थोड़ा सा इन्होंने बड़ा देना चाहिए था यहाँ पे, 16 इंच का तो कम से कम देना चाहिए था यार। अब बात करेंगे यहाँ पे अगर व्हील बेस की, तो भाई ये आपको 2600 mm का देखने के लिए मिलता है। और अगर ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलेगा। और को ड्राइवर साइड ही आपको यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो आपको 40 लीटर की देखने के लिए मिलती है। और ये खुलता आपका ड्राइवर साइड से ही है। और ये देखिए यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिल रहे हैं। रियर से चलते हैं तो भाई गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। क्या बात है भाई, सुंदर आगे से भी है और पीछे से भी वही सुंदरता यहाँ पे ये बरकरार रखती है। यहाँ पे जो इसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ वो है इसकी टेल लैंप्स, ये पूरी एलईडी में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको हेलोजन में इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे सिटी की बैजिंग है, यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। डिफ्यूजर वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ब्लैक में। और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर सेंटर में देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको स्टॉप लाइट मिल जाएगी, डिफॉगर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, प्लस शार्क फिन एंटीना भी आपको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं बूट की, तो सॉफ्ट टच मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है। और फिर अरे भाई इसके अंदर तो सामान वगैरह रख पड़ा है भाई, देखिए कितने बड़े बड़े दो बॉक्स रखे हैं। अगर बूट स्पेस की बात करेंगे तो भाई आपको ये 506 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। स्टेपनी आपको यहाँ इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, जो आपको 15 इंच की ही देखने के लिए मिलती है। और देखिए यहाँ पे वाला हिस्सा भी आपको कवर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये तो था कुछ इसका बूट को करते हैं बंद, ड्राइवर साइड चलते हैं। तो भाई ये देखिए ड्राइवर साइड भी सेम एज इट इज वैसी है जैसे आपने को ड्राइवर साइड देखी थी, लेकिन यहाँ पे भी आपको देखिए स्मार्ट की एंट्री का बटन है जो वहाँ पे मिल रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको की होल देखने के लिए मिल जाता है। चलिए डोर खोलते हैं, चलते हैं अंदर।
तो ये देखिए भाई, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डोर पैनल देखने के लिए मिलता है, और इंटीरियर देखेंगे तो भाई कुछ इस तरीके से ये देखने के लिए मिलता है। डुअल टोन में देखने के लिए मिलेगा, बीज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, जो एक रिची रिच टोन यहाँ पे आपको फील कराता है। डोर में अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा फैब्रिक में। चार पावर विंडो के स्विच हैं, जिसमें से ड्राइवर साइड वाला आपको वन टच डाउन वन टच अप देखने के लिए मिलता है। सेंटर लॉकिंग के बटन यहाँ पे आ जाएंगे, और ORVM यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस है, मैप पॉकेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और स्पीकर्स की प्लेसिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और अगर सीट्स में बात करेंगे तो भाई फैब्रिक में सीट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं, और कुशनिंग भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिलती है भाई, बहुत सॉफ्ट मिलती है। बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा, और यहाँ से आप गाड़ी का फ्यूल टैंक का लिड ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे से आप गाड़ी का हुड ओपन कर सकते हैं ये, और यहाँ पे आपको देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, हेडलैम्प लेवलर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके आउटर में आपको सिल्वर फिनिशिंग का वर्क देखने के लिए मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और सीट्स में आप देखेंगे तो भाई आपको सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन हाइड्रोलिक में देखने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं, दरवाजा करते हैं बंद। तो भाइयों मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, ये देखिए भाई इंटीरियर को एक बार नजर मारते हैं। डिसेंट सा इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, और प्रीमियम फील यहाँ पे आपको कराता है। सेंटर में आपको म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा टच में, और 8 इंच का देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जिसका टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। और रिवर्स कैमरा अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिलता है, क्लियरिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और ये 3 एंगल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। ये देखिए आप इसे यहाँ पे से ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, अब यहाँ से आपको बम्पर टू बम्पर दिख रहा है बढ़िया एंगल, और ये आपका नॉर्मल एंगल है, और ये डायरेक्ट गाड़ी के नीचे है बम्पर। और फिर इसके नीचे अगर चलेंगे तो आपको यहाँ पे एसी कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी, जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पे आपको प्लेस मिल जाता है फोन कैरी करने के लिए। फिर 2 टाइप ए के पोर्ट है, 12 वोल्ट का अडेप्टर सॉकेट है, और यहाँ पे आपको देखिए 2 कप होल्डर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक प्लेस मिल जाता है जिसमें आप की वगैरह भी कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। और की आपको गाड़ी की कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है, और होल्ड यानी बूट ओपन करने का बटन देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा, और गियर नॉब भाई आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलता है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर प्लस यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग है, जिसमें आपको क्रोम की टिप मिलती है, और आर्म रेस्ट आपको फिक्स में देखने के लिए मिलता है, और स्टोरेज इसके अंदर भाई काफी बड़ी स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलती है। इसे बंद करते हैं, फिर बात करेंगे ग्लोब बॉक्स की। तो भाई ये देखिए ग्लोब बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ग्लोब बॉक्स यहाँ पे आपको मिलेगा, डिसेंट सा स्पेस भी देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो भाई देखिए डैशबोर्ड कितना प्यारा लगता है, बीच का कॉम्बिनेशन है आपको ग्लॉसी ब्लैक का है, फिर यहाँ पे आपको रफ ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो भाई आप ये इससे लाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर की, ये देखिए ये हो रही है, मतलब आपको जितना ब्राइटनेस चाहिए उतनी ब्राइटनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए बल्ब जो है डार्क होते जा रहा है और ये कम होते जा रहा है ठीक। और क्लस्टर की अगर बात करेंगे तो भाई आपको एनालॉग में देखने के लिए मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में RPM मीटर है, राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर है, और सेंटर में आपको एक कलर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील में बात करते हैं तो भाई राउंड में स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको सिल्वर कलर की टचिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा क्रोम में, और SRS एयरबैग की बैजिंग है। अब भाई जो अपडेट हुआ है वो इसमें हुआ है कि आपको अब इसमें 6 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं, पहले इसमें 4 ही आते थे लेकिन अब इसमें 6 एयरबैग कर दिए गए हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको भाई ये क्लस्टर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, देखिए व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट है ये देखिए, और ये यहाँ से आप इस तरीके से इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप ये सारी चीजें जानकारी ले सकते हैं। फिर वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको भाई क्रूज कंट्रोल के बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, और एडास के फंक्शंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिन्हें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो भाई आपको लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और राइट हैंड साइड में आपको भाई हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं, जो आपको ऑटो और फॉलोमी में देखने के लिए मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो ये आपको टिल्ट तो मिलता ही है, टेलीस्कोपिक भी देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो भाई आपको IRM मिल जाएगा, ये आपको मैन्युअली एडजस्टेबल मिलता है, रीडिंग लैंप आपको हेलोजन में मिलता है, माइक की प्लेसिंग यहाँ पे आपको मिलती है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है भाई, काफी बड़ा मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, और यहाँ पे भी आपको काफी बड़ा देखने के लिए मिलता है वैनिटी मिरर। अब भाई बात करते हैं इसके हेडरूम स्पेस की, कंफर्ट की वो कैसा है। तो भाई अब कंफर्ट की बात करूं तो भाई आप बैठे होंडा सिटी गाड़ी में, अरे कहना क्या चाहते हो, तो आपको कंफर्ट की तो कोई कमी नहीं होने वाली भाई। जो बैक वाला पोर्शन है काफी चौड़ा मिलता है भाई, आपको सिटिंग पोर्शन भी काफी चौड़ा देखने के लिए मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, कुशनिंग भी सीट्स की काफी अच्छी खासी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, बाकी हेडरूम स्पेस भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा भाई। तो भाई ये तो था कुछ इसके फ्रंट का, अब देखते हैं रियर सीट्स में कि वहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं, वहाँ क्या अपडेट हुआ है। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ।
तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पे रियर डोर पैनल में। यहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही डोर मिलता है जैसा आपने फ्रंट डोर का देखा था। फैब्रिक में सॉफ्ट टच मिल जा रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और विंडो का स्विच, डोर हैंडल आपको क्रोमिंग में मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस है, स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहां बैठ के देखते हैं वहां क्या क्या चीजें मिलती है भाई आपको। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ भाई गाड़ी के अंदर ना। तो ये देखिए रियर से, तो यहाँ पे आपको भाई पहले तो फ्रंट के जो हेडर्स हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं, मैगजीन पॉकेट नहीं मिलेगी, रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको दो पोर्ट मिलते हैं भाई, यहाँ पे आपको ये 12 वोल्ट अडेप्टर सॉकेट दो मिलते हैं। यहाँ पे ये देखिए दो दो 12 वोल्ट अडेप्टर सॉकेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और रियर में बात करेंगे तो भाई ओ हो, ये जो हेडरेस्ट है ना भाई ये एडजस्टेबल नहीं है, बट अगर वैसे देखें तो भाई इनकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखिए, जिसमें आपको टू कप होल्डर का ऑप्शन है। और यहाँ पे कोट हैंकर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सेंटर में रीडिंग लैंप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंफर्ट की, तो भाई ये देखिए, अब जैसे मैंने कहा ना पोजिशनिंग अच्छी जगह है तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एडजस्टेबल होते या नहीं होते, मतलब ये अगर फिक्स भी दे रखे हैं तो बट आपके यहाँ पे आराम से सर रख सकते हैं, तो जिस वजह से आपकी कंफर्टेबल राइड होने वाली है। और रिक्लाइनिंग पोजीशन देखिए ना कितनी है, मतलब आराम से लदर के जाइए भाई। और कुशनिंग तो बहुत सॉफ्ट है भाई गाड़ी की, मतलब सिटी को कहते हैं ना कंफर्टेबल कार, तो ये बहुत है भाई। अगर आप कंफर्ट चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, ज्यादा फीचर्स की लोड नहीं रखते हैं, अगर आपको एक कंफर्टेबल कार चाहिए तो सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट कार है। और एक चीज जो इसमें अपडेट हुआ है भाई वो है इसमें अब आपको रियर सीट्स में भी सीट रिमाइंडर देखने के लिए मिलता है, पहले जैसे दो में ही आता था, अब आपको भाई पीछे की सीट बेल्ट भी लगानी पड़ेगी वरना ये पी 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 करते रहेगा। और ये आपको प्रेशर वाला रिमाइंडर है, यानी कि खाली लगा के छूटेगा, जब तक आप गाड़ी सीट में बैठे रहेंगे तो ये आपका बजते रहेगा, आपको सीट बेल्ट लगानी ही लगानी है। तो भाई ये तो था कुछ इसका रियर सीट्स का। अब बात करते हैं इसके इंजन वे की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। तो दोस्तों हम आज को यहाँ पे इसके इंजन सेगमेंट में अगर इंजन की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको होंडा का ट्रस्टेड इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, 1.5 लीटर में फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड। और भाई ये एक पहला ऐसा इंजन है ना जो आपको 1500 सीसी में 119 की बीएचपी निकाल के देता है भाई, काफी अच्छी खासी पावर निकाल के देता है। और टॉर्क की बात करेंगे तो 146 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। और यहाँ पे माइलेज की बात करें तो कंपनी आपको 18 केएमपीएल का माइलेज यहाँ पे क्लेम करती है, बाकी डिपेंड ड्राइविंग कंडीशन, आप जिस तरीके से गाड़ी चलाएंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे माइलेज मिलेगा। और ब्रेकिंग्स में भाई तो सभी चीज मिल रही है, जैसे एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन में है ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ईएसपी जैसे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी भाई एडास लेवल 2 है तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। और वारंटी की बात करेंगे तो भाई आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। पीछे से अगर आप देखेंगे तो इंसुलेशन का वर्क है, हुड में भी इंसुलेशन का वर्क है, नीचे से इंजन प्रोटेक्टर शीट भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस सिटी वी मॉडल के बारे में, और ये वी नहीं ये आर वी मॉडल है, नया लॉन्च हुआ है, कहने का मतलब इसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई दो एयरबैग्स अपडेट हो गए हैं, पीछे के सीट बेल्ट रिमाइंडर अपडेट हो गए हैं, और प्राइस यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। तो आपको सेडान में कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद आती है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे न्यू व्यूवर्स है ना वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।